बहुत प्यारी लगी, बहुत हंसी, मतलब बहुत कॉमेडी है उस फिल्म में, हंसने को बहुत बहुत सारे मौके मिले, तो एंटरटेनिंग है। और साथ में मतलब उसका जो एक दिल है उस स्क्रिप्ट का, उसमें मतलब एक अच्छी सी एक मैसेज है जो नॉन वायलेंस के बारे में बात करती है, जो कम्युनल हार्मनी के बारे में बात करती है। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब ज़रूरी भी हैं आज के माहौल में जो दुनिया में है, कि इन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन होनी चाहिए, तो एक अच्छे से अंदाज में, कॉमेडी के अंदाज में, क्योंकि कॉमेडी में कभी कभी जो अगर बात कही जाए तो वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। तो इस स्क्रिप्ट के ज़रिए उन्होंने काफ़ी एक अच्छा प्रयास किया है। ये जो कैरेक्टर हैं इस फिल्म में, मतलब जब फिल्म शुरू होती है मतलब वो बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इस फिल्म में, मगर धीरे धीरे जो उनकी जर्नी है उस रास्ते के दौरान एक दूसरे के बारे में उन्हें पता चलता है और दोस्ती हो जाती है। तो इसमें भी मतलब एक दोस्ती है रितेश देशमुख और पुलकित सम्राट के बीच। हमारी फिल्म तो अभी ऑलमोस्ट फिनिश, 10-20 दिन का काम बाकी है और हम मूव कर रहे हैं कि ईद पे ही आए, उस टाइप की भी फिल्म है। उनकी फिल्म जो है वो भी उन्होंने कोशिश करी, उनकी पहले शूटिंग शुरू हो गई और फिर हम लोग देखेंगे। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि क्लैश होनी है, इट ऑल डिपेंड। बहुत सारे फिल्में अनाउंस होती है और फिर मूव भी होती है, तो आई थिंक हम लोग जब एक दफ़ा दोनों फिल्में हो जाएंगी, वी सिट एंड टॉक। काफ़ी फिल्म आएगा तो हम इसके बारे में थोड़ी और डिटेल। हाँ, 7 अगस्त को आप जाके पाकिस्तान देखिए, बहुत ही अच्छी फिल्म है और इसमें बहुत ही एक अच्छा मैसेज भी है। एंड सीरियसली आपको देखें, आपको बहुत पसंद आएगी।